Yeah. गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल में, और आप मेरे ब्लॉग्स में आए हो, एक बार दिल से धन्यवाद। तो भाई आज मैं सुबह उठ गया था, मतलब पाँच बजे के आसपास। आजकल हम लोग 5 बजे ही उठ जाते हैं क्योंकि हमें सुबह खेतों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। और मेरे को रात को भाई मैं 1-1.5 बजे भी सो रहा हूँ, और आजकल नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि रात को वीडियो एडिट करना वगैरह सब कुछ होता है। तो आज भी उठ गया था मैं सुबह 5 बजे। तो अभी आज सुबह से भाई बारिश लग रही थी, तो अभी प्लान का कैंसिल था बैलों को ले जाने का, लेकिन अभी थोड़ा सा बारिश कम हो गई है, 6 बज चुके हैं। तो अभी डाउट हो रहा था भाई बैलों को ले जाऊँ ना ले जाऊँ, तो अब ले जा रहे हैं भाई, फाइनली ये डिसाइड कर लिया है। और पैर में पहन लिया भाई माइक्रो बूट। तो अभी शर्मा जी के वहाँ से बैल लेते हैं हमारे, तो बैल ले जाते हैं खेतों में। तो बैल ले जाने भाई मल्ली बोत्रा में, एक्चुअली में मल्ली बोत्रा से ऊपर हमारे खेत है, उधर भी हमारी आधी ज़मीन है और इधर गांव की तरफ भी आधी ज़मीन है। तो हम मल्ली बोत्रा वाले इलाके में ले जा रहे हैं। तो अभी क्या भरोसा यार भाई, बारिश कभी भी लग सकती है, और मुझे तो लग रहा है भाई अभी कहीं खेत में ले गए और जल्दी वापस ना लाना पड़े, बेफजूल की फजीद हो जाएगी मेरी। तो चलो चलो भाई कालू, और मम्मी लोग पीछे से आ रहे हैं, और 2-3 लोग चाहिए क्योंकि भाई खेतों में आजकल घास बड़ी बड़ी हो रखी होती है, खरपतवार जिसको बोलते हैं, तो उसको नीचे दबाना पड़ता हाथों से। तो अभी दिखाऊंगा, मुझे लग रहा भाई इनको भी बैलों को भी थोड़ा सा आलस जैसा लग रहा है क्योंकि ये भी स्लोली चल रहे हैं। इनको भाई ऐसा लग रहा होगा कहीं बारिश आ जाएगी, हम भी खेत में नहीं चलते उतने दूर, वहाँ से वापस आएंगे तो फिर उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई इतने दूर चलना, फिर उसके बाद जंगल को जाना चढ़ने के लिए। क्योंकि पहले हम इधर बैलों को लेके आते हैं खेतों में, उसके बाद घर ले जाते हैं, फिर जंगल को छोड़ने के लिए भी जाते हैं, और फिर दिन भर जंगल से चढ़ के आते हैं ये गाय भैंस जो भी होते हैं हमारी इधर के। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तकड़ा वाला कोहरा लग चुका है, हमारे यहाँ हॉल बोलते हैं इसको, हॉल लगी है। तो चलो चल भाई तेज चल, ये देखो चलने के लिए रेडी नहीं है भाई, तेज चल तेज। आप समझो भाई डंडे से एक्चुअली में डर लगता है बहुत इनको। तब अबे बोल दे सुनो यार, क्या कह रहे हो करी कैमरा अबे ले 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 अबे कैमरा, वो कैमरा सो क्यों ले ले, मेरा मर गया जो मर को लिया बैल, क्या है कैमरा ये न्यू चलो। तो यहाँ पे भाई खेत बहुत टाइट हो रखा है यार नीचे से, आप देख सकते हो, और ये यहाँ पे लंबा वाला झाड़ भी हो रखा है खरपतवार, इस कारण से भाई बहुत सारे लोग आ रखे हैं आज खेत में। तो क्यों बहुत सारे आ रखे ना आज, बहुत आ रखे हैं आज, चार पांच लोग। तो आप देख सकते हो बहुत टाइट हो रखा है यहाँ पे, कितने लोग हैं मेरे खेत में आज काम करने वाले। तो ये एक्चुअली में ये वाला खरपतवार जो होता है इसको नीचे डालने के लिए इतने लोगों को बुला रखा आज। तो भाई बहुत खतरनाक हो रखा है खेत। तो तब चलो बेटे चलो चल। An hour later. ये वाला खेत भी हम लोगों ने आप कंप्लीट कर लिया है हल लगा करके,
और यहाँ पे ये कल वाली मेरी वीडियो देख रहे हैं ये है लोग, और मम्मी यहाँ पे अभी भी काम कर रही है। मम्मी क्या और का खेत ऐसी स्थिति क्यों होगी? नौकर लगी हूँ मैं। अच्छा, ऐसी स्थिति क्यों और के खेत क्या आज? तेरी वजह से हुआ ये सब। ये भी मेरी वजह से हुआ ये? इसमें क्या और का थोड़ा सा बताओगे मेरे कैमरे में? ये चुबड़माट लाल मिट्टी, लाल मिट्टी को बोलते हैं। अच्छा, तो इससे ये एक्चुअली में इस वाले खेत में ऊपर वाले हिस्से में लाल वाली मिट्टी है, जिससे हार्ड हो जाता खेत, यहाँ पे पानी इकट्ठा होके मतलब टाइट हो जाती है धरती। भाई मैं चल, हम चलते हैं भाई घर को, और जब तक ये लोग वीडियो देखते हैं पहले इनको वीडियो देखने दो, क्योंकि इसने भाई ठीक है हार्ड और कहता ना खेत बहुत तगड़ा वाला। हाँ हाँ, बहुत वार्ड लग गई आज हमारी। हाँ, तो आज भाई आराम मांगता है दिन में, घर जाएंगे आराम करेंगे क्यों? तो भाई लोगों चल रहे हैं भाई यहाँ से आप घर को। तो भाई हम लोग भाई कुछ ज़्यादा ही पछे रखे हैं लोगों से, मतलब बहुत पीछे हो रखे हैं लोग हमसे, बहुत आगे निकल गए मेरे से काम करने में, क्योंकि लोगों ने पहले ही अपना काम कर दिया, कुटकी वगैरह मतलब 10 से 5 या 6 दिन पहले कर दिया लोगों ने, और मैं बहुत पीछे हो गया हूँ। तो तभी इस हिसाब से मुझे ज़्यादा इस टाइम पे ज़्यादा भार हो गया है एक साथ सर में। और होता क्या है भाई, जब मैं काम करता हूँ तो टाइम नहीं हो पाता है ज़्यादा ब्लॉग्स बनाने का। मैं सोच रहा हूँ भाई 1-2-4 दिन ब्लॉग्स बंद कर दूँ, क्योंकि अब काम करता हूँ 1-2 दिन फटाफट निपटाते हैं काम को, फिर बनाएंगे आराम से फुर्सत से ब्लॉग। तो 1-2 दिन सोच रहा हूँ भाई, अगर छुट्टी हो पाती है तो ब्लॉग्स नहीं डालूँगा, और फटाफट अपना काम निपटा लूँगा पहले, और फिर डालूँगा आपके लिए ब्लॉग्स। तो अभी मैं आ गया हूँ अभी घर में हाथ पैर धो करके। तो मम्मी यहाँ पे, मम्मी क्या बना रहे हो आज? पिछा का फान है, पहाड़ी कड़ी बना रहे हो ना आप? क्या बना रहे हो? ये मम्मी बना रही है भाई पहाड़ी कड़ी, इसमें भाई आटा जाएगा और छाछ जाएगी गांव की, मतलब हमारे घर में जो बनती है, और ये देख सकते हो तो इसमें छाछ है और हरी पत्तियां जाएगी ऊपर से है, कद्दू के पत्ते। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है यार, ये पहाड़ी कड़ी मतलब खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। अभी दिखाएंगे आपको कैसे बनती है। गाइस ये हमारा भाई पल्लू है, तो ये इस खाने में भाई बहुत स्वादिष्ट होता है, आप देख सकते हो कैसा बना है किस तरह से। ये भाई इसमें हरी पत्तियां लगा दी हमने, तो गाइस भाई आज है मैं जैसे ही वहां से आया खाना खाने के बाद, उसके बाद भाई मैं तो भाई लेटर रह गया, क्योंकि भाई इतनी बारिश लग गई थी आज दिन भर। मैं देख रहा हूँ भाई खाना खाने के बाद भाई बारिश इतनी लग गई, अभी तक अभी 6 बज चुके हैं। अब निकल रहा हूँ मैं थोड़ा सा खेतों में देखने के लिए, अभी जो पौधे मैंने कल लगाए थे आप देख सकते हो यहाँ पे तो इन पे जान आ गई भाई। एक्चुअली में जब बारिश लगती है तब यहाँ पे ये मतलब अच्छे जमते हैं नीचे से, क्योंकि बारिश के कारण भाई पानी मिल जाता है उनको प्रॉपर मात्रा में,
तो ये जमुना स्रोत है, इसीलिए तो इसी मौसम में लगाते हैं इन पौधों को। तो ये वाला मतलब अगर बारिश नहीं लगी रहती तो ये मुरझा जाते थे यहाँ पे, तो अब ये बारिश के कारण एकदम खड़े हो जाएंगे, मतलब सीधे हो जाएंगे एक्चुअली में सीधे, तो इनमें मतलब बहुत फ़ायदा हो जाता हम लोगों को, सीधे मतलब जम जाते हैं अगर। तो ये था भाई आज का ब्लॉग्स, एक छोटा सा ब्लॉग्स बनाया मैंने आज, थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिल पाया क्योंकि बारिश लगी थी दिन में, तो ऐसे हो रहा भाई आजकल। लगातार आप सोच रहे होंगे कंटेंट क्यों नहीं आ रहा, कंटेंट क्यों नहीं आ रहा, तो यही कारण है भाई, लगातार कभी बारिश लग रही है कभी काम हो जा रहा है, तो इसी कारण से कंटेंट कभी रुक रहा है, कभी बन पा रही वीडियो कभी नहीं बन पा रही है। तो मिलते हैं भाई नए ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए आप बने सोबंदा ब्लॉग्स में, तो तब तक के लिए भाई जय हिंद।